अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये आटा जो है वो खरीदा गया है इंदौर से, बदबू गंदी नहीं रहा इसमें और सद्गुण आटा नाम है इसका, जो बना हुआ है तारीख जिसकी बताई गई जा रही है 6/7/2023। 7वें महीना का ये आटा है। सदगुरु फूड्स बिलावली उज्जैन बाईपास रोड देवास में से निर्मित किया गया है और बेवजह सड़ा हुआ आटा लोगों को परसों जा रहा है, जो कि स्मेल भी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खिलवाड़दायक है। कृपया प्रशासन इस पर ध्यान दे, कड़ी कार्रवाई करे और इस एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करें। कौन सी फर्म है और कहां पर स्थित है? जी, ये सदगुरु फूड्स फर्म है। इसके प्रोप्राइटर संजय कुमार, मैं खुद हूँ और ये बिलावली में निर्मित है। क्या काम किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पे आटा प्रोसेसिंग किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी के गेहूँ लिए जाते हैं और अच्छा आटा बनाया जाता है। अभी यहाँ पर खाद्य अधिकारी पहुँचे थे, क्या शिकायत पहुँचे थे और क्या मिला है उनको? सर, वो उन्होंने नमूने लिए हैं आटे के, बहुत क्वालिटी के लिए उन्होंने भोपाल सैंपल के लिए भेजे हैं, वहाँ से जैसे भी रिपोर्ट आई है वो है। पर सर, हमको ये बता दे रहे हैं कि जो भी ये बेस्ट क्वालिटी का यूज़ कर रहा है और बेस्ट क्वालिटी ये यूज़ कर रहा है। जिन्होंने चेकिंग की उनको कुछ नहीं मिला चेकिंग के दौरान? हाँ, उनको कुछ नहीं मिला। एक आपके सदगुरु का लेवल लगा हुआ एक आटे का पूरा जो रहता है, वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर कुछ? वो वीडियो बहुत पुराना है, 7 जुलाई के आसपास का है, 3 महीने पुराना, 3 महीने के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है। और हम जिन पार्टियों को माल लेते हैं वो कंटिन्यू रेगुलर है और उनसे 15 या 20 दिन के लिए माल लेता है, इतना पुराना माल उनके पास रहता नहीं है। तो या तो फर्जी वीडियो किसी ने बनाया है या साजिश की गई है जो हमको नाम बदनाम किया जाए। और लेकिन हमारा बेस्ट क्वालिटी का आटा है और प्रोसेस किया जाता है, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, आपका परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमावत है और मैं देवास में रहता हूँ, सदगुरु फूड्स का मालिक हूँ। किस क्षेत्र में और किस दुकान पे पहुँचे थे और क्या मिला है? यहाँ पे बिलावली रोड है, मुझे रोड पे है सदगुरु फूड्स। वहाँ पर लोग देख सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था आटे का, जिसमें मिलावटी आटा या खराब आटे की शिकायत थी। हमारे लोग उस फर्म द्वारा जो आटा निर्माण किया जा रहा है उस प्लांट पे आए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने उस प्लांट का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे ऐसा कोई आटा नहीं मिला है, जिनके द्वारा जो आटा निर्माण कर विक्रय के लिए जो किया जा रहा है उसमें हम लोगों ने सैंपल की कार्रवाई की है। यहाँ पर फर्म में या प्लांट में इस टाइप से कोई आटा नहीं मिला है और हम लोगों ने पूछताछ की है इनके द्वारा जो दो फर्मों को विक्रय किया है, उनने वहाँ से पता किया, वहाँ पर भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं कि आटा खराब है। ये आटा पिछले महीने इनके द्वारा विक्रय किया गया था और हम लोगों ने इनके पास निर्माण करने का लाइसेंस दिया और सारी प्रक्रिया को सही जांच के लिए दिए हैं और अब जाँच को भोपाल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की। या कुछ पैकिंग का आपने आटा देखा, किसी प्रकार की एक्सपायरी है ऐसा कुछ? नहीं, इनके द्वारा कंटिन्यू पैकिंग करके भेजा, एक्सपायरी इस टाइप का कोई आटा नहीं मिला है। कौन से फूड से है सर, ये कहाँ पे स्थित है? ये सदगुरु फूड्स है, ये बिलावली में स्थित है, उनके मालिक है संजय कुमार। आपका परिचय सर? सुरेंद्र ठाकुर, खास रूप से देवास।